टमाटर की कीमतों के आसमान छूने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर जमकर घेरा और सड़कों पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए ठेला लगाकर 20 रुपए किलो टमाटर बेचते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कटनी जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 20 रुपए किलो टमाटर बेचने लगे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने पर टमाटर का दाम 20 रुपए से भी कम में बिकेगा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने आज ये जनता की समस्या को हल करने के लिए टमाटर को हम 20 रुपया किलो बेच रहे हैं और ये जनता की भारी लाइन लगी है। हम जनता के हित में काम करने वाली पार्टी हैं और हमारा ये वचन है कि प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो टमाटर का रेट इससे भी कम होगा। जय कमलनाथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।